हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त रामा स्वामी। आज अपने साथ है ऑल न्यू 2024 एथर 450 एपेक्स। तो आज की इसको 450 एपेक्स में मिलने वाली फीचर 2024 में इसकी लेटेस्ट ऑनबोर्ड प्राइस क्या है, इसमें आपको रेंज क्या मिलता है, बैटरी कैपेसिटी क्या दी गई है, इसका आपको चार्जिंग टाइम कितना होता है, क्या फीचर्स हैं, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहना और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए स्कूटर के कुछ सिनेमेटिक व्यू के साथ इस रिव्यू को आगे बढ़ाते। सबसे पहले बात करते हैं एथर 450 एपेक्स में आपको मॉडल्स कितने अवेलेबल है और कलर्स कितने आते हैं। देखो, इस सिंगल कलर वेरिएंट में आता है, इसमें आपको लिमिटेड एडिशन इसको बोलते हैं, और ये जो सामने आप कलर देख रहे हो इंडियन ब्लू कलर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट कलर से। अगर बात करें फ्रंट से, सबसे पहले इसका फ्रंट का लुक देखो। इसका जो एथर का फ्रंट का लुक आता है ना, बहुत सेक्सी सा लुक आता है, देख के बहुत अच्छा लगता है, बहुत फेमस सा लुक है। बाकी इसमें आपको ऑल एलईडी मिल जाते हैं, एलईडी हेडलाइट्स मिल जाता है, टर्न इंडिकेटर्स भी आपको एलईडी मिल जाते हैं। इसमें को डीएलएसपी है, मैं आपको की ऑन करके दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। एक मिनट, ये देखो, तो काफ़ी अच्छा दिखने वाला आपको इसमें हेडलाइट का सेटअप मिलता है। बाकी यहाँ पे विंड वाइजर आपको ब्लैक कलर मिलता है, ग्लॉसी ब्लैक कलर दिया गया है। ये पैनल है आपको, ये इंडियन ब्लू कलर दिया गया है, जो कि आपको बहुत अच्छा लुक आ रहा है, बहुत अट्रैक्टिव लुक आ जा रहा है। बाकी यहाँ पे सेंटर में आपको नंबर प्लेट की जगह मिलता है। अगर बात करें मिरर की, आपको ब्लैकआउट मिरर मिल जाते हैं। अगर वहीं बात करें फ्रंट फेंडर मडगार्ड की, देखो इसमें आपको ये हार्ड फाइबर का यूज होता है। एक और चीज़ देखो, इसका जो फ्रंट फेंडर है ना, बहुत अच्छा लुक में आता है। ये शेप जो दिया गया ना, बहुत साफ सा लुक आता है, जिसकी वजह से लुक भी बहुत अच्छा बन जाता है। तो ये एथर 450 एपेक्स का फ्रंट का लुक है। आप मुझे फ्रंट से बताना कि ये स्कूटर आपको देखने में कैसा लगता है। फिलहाल इसके की को बंद करते हैं, बैटरी डाउन होगा। अभी बात करते हैं सर सस्पेंशन के। देखो यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आ जाता है। बाकी इसके ऊपर आपको रिफ्लेक्टर वगैरह लगाया गया है। अगर वहीं बात करें ब्रेकिंग की, सबसे पहले देखो इसमें आपको ड्यूल डिस्क आ जाता है। और एक और चीज़ नोटिस करना, यहाँ जो डिस्क ब्रेक दिया गया है ना, ब्रेक वो नॉर्मल डिस्क ब्रेक नहीं है, पेटल डिस्क दिया गया है। देखो, पेटल डिस्क का भी अपना एक फ़ायदा होता है। क्या होता है, जब भी आप ब्रेक अप्लाई करते हो ना, बहुत हीट जनरेट होता है। इस पेटल डिस्क की वजह से वो हीट बहुत हद तक रिड्यूस हो जाता है। कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे ब्रेकिंग का परफॉर्मेंस इंक्रीज होने वाला है। अगर वहीं बात करें टायर सेक्शन की, MRF पर टायर मिलता है और यहाँ आपको 90x90 12 इंच का आपको ट्यूबलेस टायर वगैरह मिल जा रहा है। बाकी देखो, अगर आप ध्यान देखोगे ना, ये जो अलॉय है ना, ये कलर मिलता है आपको यहाँ पे, ऑरेंज कलर मिलता है। जो ये इंडियन ब्लू कलर है ना, और ये ऑरेंज का जो कम्बिनेशन दिया गया ना, बहुत अट्रैक्टिव कलर हो जा रहा है। बाकी आपको देखो यहाँ पे 450 एपेक्स का एक ब्रांडिंग टाइप मिल जाता है। अभी बात करते हैं राइट प्रोफाइल की। अगर बात करें राइट से, सबसे पहले इसका जो मेन अट्रैक्शन है ना, ये आपको रियर पैनल, यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट पैनल दिया जाता है। देखो आप यहाँ ध्यान से देखो, अंदर का जो फ्रेम वगैरह सब कुछ दिख रहा है, तो अट्रैक्टिव लुक हो जाता है, थोड़ा सा डिफरेंट, कुछ अलग लग रहा है। मतलब नॉर्मल आपको यहाँ पे ट्रांसपेरेंट नहीं मिलता है ना बाकी किसी स्कूटर में, पर ये एथर वालों का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लग रहा है। लुक वाइज बहुत अच्छा हो जा रहा है। फिलहाल तो आप मुझे बताना आपको कैसा लग रहा है। अगर बात करें सीट की, देखो सीट की कुशनिंग वगैरह अच्छी है, आपको अच्छा खासा लेंथ मिल जाता है, आगे से थोड़ा नैरो कर दिया जाता है, लेडीज वगैरह भी बहुत कंफर्टेबल तरीके चला सकती हैं, और सीट का कुशनिंग भी बहुत गद्देदार मुझे लग रहा है। अगर बात करें यहाँ पर ट्रैवल की, आपको सिंगल स्ट्रॉन्ग ट्रैवल मिल जाता है, ब्लैकआउट मिल जाता है। एक और चीज़ देखो, यहाँ पर आपको बॉडी इंटीग्रेटेड ये फुटरेस्ट मिल जाता है, थोड़ा डिफरेंट पैटर्न मिलता है, आपको पता ही है एथर में, तो लुक वाइज बहुत सेक्सी सा लुक आ जाता है। आप मुझे जरूर बताना इसका लुक आपको देख के कैसा लगता है। बाकी देखो, फुटबोर्ड भी आपको अच्छा मिल जाता है, लेग स्पेस भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है। यहाँ पे आपको देखो ये हुक मिल जाता है, यूटिलिटी हुक, तो कुछ आप सामान वगैरह भी कैरी कर सकते हो। अभी बात करते हैं रियर पार्ट की। जैसा कि मैं बताया, रियर में भी आपको यहाँ पे ड्यूल डिस्क है, तो आपको यहाँ पे रियर में भी डिस्क ब्रेक मिल जाता है। एक और चीज़ देखो, यहाँ पे आपको ये बैरबे का कैलिपर पिस्टन भी दिया गया है। देखो बैरबे का कैलिपर पिस्टन आपको पता ही अच्छा होता है, ब्रेकिंग आपकी अच्छी लगती है। अगर वही बात करें टायर सेक्शन की, MRF पर टायर मिलता है 100x80 12 इंच का आपको ट्यूबलेस टायर वगैरह मिल रहा है। यहाँ भी आप देखोगे तो इसका जो रिम दिया गया है, ये आपको कलर्ड रिम दिया गया ऑरेंज कलर में। अभी बात करते हैं सस्पेंशन की, यहाँ पे आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है, और ये भी आपको यहाँ पे ऑरेंज कलर दिया गया। अब ध्यान देना, ये जो ऑरेंज का टच दिया गया ना, अट्रैक्टिव लुक बना दे रहा है दूर से, मतलब एक नज़र जाने वाला लुक है ऐसा लग रहा है। बाकी जो फ्रेम है इसका भी आपको कलर ऑरेंज में मिलता है, तो ये मुझे आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताना किसका लुक अभी आपको फिलहाल देख के कैसा लग रहा है। अभी आप लगे आप बात कर लेते हैं इसकी मोटर की। देखो यहाँ पे 7 kW का आपको मोटर मिल जाता है, और इसमें अगर बात करें टॉर्क की, तो मैक्सिमम टॉर्क यहाँ आपको 26 Nm का मिल जाता है, जो कि आपको एथर 450S से ज़्यादा है, मतलब अराउंड आपको 450X जो आता है उसका यहाँ पे आपको मिल जाता है। अभी लगे हाथ बात कर लेते हैं इसकी बैटरी कैपेसिटी की। देखो यहाँ पे आपको 3.7 kWh का बैटरी कैपेसिटी मिलता है।
अच्छा कैपेसिटी है, और इसमें आपको रेंज भी अच्छा मिलता है, अराउंड आपको 100 किलोमीटर का रेंज मिलता है। देखो वैसे तो IDC जो रेंज होता है वो आप बहुत ज़्यादा बताया जाता है, पर रियल जो रेंज होता है ना, अराउंड आपको 100 किलोमीटर का रेंज इसमें आपको आराम से मिल जाता है। वैसे इसमें टॉप स्पीड भी बहुत अच्छा है, वैसे तो 90 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है, पर एथर वालों ने इस पर एक नया मोड दिया है। यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो इसमें पहले जो 4 मोड आता था, अब यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा मोड मिलता है, रैप प्लस मोड। अगर आपने इस मोड में कर लिया तो आपका यहाँ टॉप स्पीड भी इंक्रीज होने वाला है, अराउंड आपको यहाँ पे 100 किलोमीटर प्रति आवर का टॉप स्पीड मिल जाएगा। तो एक प्लस पॉइंट है, आप बोल सकते हो, जो चेंज बोल सकते हो किस में किया गया। और साथ ही साथ एक और चीज़ मैं यहाँ पर नोटिस कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो एक ये जो आप एक्सलेटर लेते हो, जब भी आप उसको छोड़ते हो तो यहाँ पे रिजेनरेटिव ब्रेकिंग यूज होता है, आपको पता ही है ब्रेक लेके आप उसको जब छोड़ते हो। तो अभी यहाँ ने क्या किया है ना, मैजिकल ट्विस्ट करके एक फंक्शन दिया है, फीचर दिया है। आप इसको इस साइड करोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके थ्रू ही ब्रेक होगा। इससे कहीं ना कहीं आपका जो जब चलाते रहते हो ब्रेक लगाते हो तो उस टाइम पावर जो लॉस होता है ना वो लॉस थोड़ा कम होगा, और उसकी वजह से आपका रेंज वगैरह भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। डिटेल में आपके आगे बात करेंगे, अभी बात करते हैं रियर पार्ट की। सबसे पहले आप रियर का लुक देखो, रियर से जो ट्रेडिशनल स्टाइल में आपको एथर भी मिलता है, LED टेल लाइट्स मिल जाते हैं, सेंटर में आपको एथर का ब्रांडिंग वगैरह मिलता है, नंबर प्लेट लाइट्स, नंबर प्लेट की जगह वगैरह आपको मिलता है, रिफ्लेक्टर लगाया गया है। अभी बात करते हैं लेफ्ट प्रोफाइल की। अगर बात करें लेफ्ट से, सबसे पहले आप लेफ्ट का लुक देखो, राइट पर लुक्स दिया गया है जो मैं बोला, ये आपको ऑरेंज के स्ट्रिप पे 450 एपेक्स का एक ब्रांडिंग स्टिकिंग टाइप किया गया, अच्छा लुक बना रहा है। बाकी आपको बताइए, रियर में आपको जो पैनल दिया गया ट्रांसपेरेंट वगैरह दिया गया। अभी बात करते स्टैंड की, मेन स्टैंड तो नहीं आता है पर साइड स्टैंड दिया जाता है, बॉडी इंटीग्रेटेड आपको यहाँ पे साइड स्टैंड मिल जाता है, और ये जो मैं बताया फुटरेस्ट आपको बॉडी इंटीग्रेटेड दिया गया। एक और चीज़ देखो, यहाँ पे आपको हल्का सा ये साड़ी गार्ड भी दे दिया गया है, कहीं ना कहीं ये बहुत प्रोटेक्ट कर देता है, साड़ी दुपट्टा फंसने से ये बचा देता है। अभी बात करते हैं स्कूटर की कुछ ओवरऑल डायमेंशन की। अगर बात करें इसकी ओवरऑल लेंथ की, ओवरऑल लेंथ यहाँ 1891 mm का मिल जाता है, ओवरऑल लेंथ यहाँ 739 mm का मिल जाता है, ओवरऑल हाइट यहाँ 1140 mm का मिल जाता है। अगर बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की, बहुत ज़्यादा दिया गया, 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया। अगर वहीं बात करें सीट हाइट की, 780 mm का सीट हाइट दिया गया, मतलब 780 मतलब 5.2 5.3 भी हो तो भी बहुत कंफर्टेबल तरीके से चला लोगे। अगर बात करें कर्व वेट की, 116 kg का कर्व वेट है, बहुत लाइट वेट बोलेंगे, और बहुत अच्छा सीट हाइट की वजह से ना लेडीज वगैरह भी बहुत कंफर्टेबल तरीके से इसको चला लेती हैं। अभी बात करते हैं मेन मीटर कंसोल की। सबसे पहले जो मीटर देखो, तो मैं आपको बता रहा था इसमें जो एक्स्ट्रा मोड आया है, पहले आपको 4 मोड बोलते थे, अभी 5वां मोड जो मिला है, मिल रहा है ना रैप प्लस मोड, इसमें फीचर्स बहुत अच्छा गए हैं। जैसे अगर आप रैप मोड करोगे ना तो इसका जो डैशबोर्ड है ना अब ज़्यादा कलरफुल बोल सकते हो, ये भी हो गया एक तरह से। बाकी आपको जो पहले मिलता था वहीं से मिलता है, जो 450X में मिलता था वहीं से मिलता है, यहाँ पे आपको मैप वगैरह मिल जाते हैं। बाकी देखो यहाँ से आप टॉगल वगैरह भी कर सकते हो, ये देखो यहाँ से, और यहाँ से आप मोड वगैरह चेंज कर सकते हो। देखो इको आ रहा है आपको यहाँ पे, राइड आ रहा है, स्पोर्ट्स आ रहा है, रैप प्लस आ रहा है, और यहाँ पे आपको ये रेंज दिखा रहा है, यहाँ पे आपको बैटरी परसेंटेज वगैरह दिखा देगा। बाकी यहाँ से आप ये सब टॉगल वगैरह हाथ से ही कर सकते हो। एक और चीज़ को जो मैं आपको बोल रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ पहले सेटिंग, ये जो ट्विस्ट है ना, मैजिकल ट्विस्ट बोल रहा था मैं इसको ऐसे करने का, इसको आप ऑन ऑफ भी कर सकते हो, हाई लो भी रख सकते हो। जैसे ट्विस्ट दिख रहा है ना आपको इसका, और आपने ऑफ कर दिया तो ऑफ हो जाएगा, लो किया तो मतलब लो ब्रेक लगेगा, हाई मतलब हाई टाइप ब्रेक लगेगा। मतलब ये फीचर आप नया जो एड ऑन बोल सकते हो इसमें आप कर दिया गया है पहले की तरह। बाकी अगर बात करें यहाँ पे स्विच की, देखो यहाँ पे आपको अपर में लोअर में मिलता है, यहाँ से टॉगल बटन ये सब दिया गया है, यहाँ से टर्न इंडिकेटर का स्विच, एक हॉर्न का स्विच जो कि बहुत लाउड है। बाकी यहाँ पे आपको इंजन किल स्विच मिल जाता है, यहाँ पे देखो मिल जाता है ये आपको। बाकी यहाँ पे मोड वगैरह चेंज करने के लिए, यहाँ से ये स्टार्ट करने का है, आप ब्रेक लेके स्टार्ट वगैरह कर सकते हो। मिरर वगैरह देख लो, क्वालिटी वगैरह अच्छी दी गई है। अभी लगे हाथ बात कर लेते हैं इसके वारंटी वगैरह के बारे में। देखो व्हीकल पे आपको 3 ईयर्स 30,000 किलोमीटर का वारंटी मिलने वाला है। अगर वही बात करें बैटरी पे, तो बैटरी पे आपको बाई डिफॉल्ट 5 साल और 60,000 किलोमीटर का वारंटी वगैरह मिल जाएगा। अभी बात करते हैं इसकी प्राइस की। देखो इसका ऑन रोड प्राइस पुणे में 2,03,000 के अराउंड आता है। देखो अगर आप कंपेयर करोगे 450X से, तो अराउंड आपको 20,000 एक्स्ट्रा यहाँ पे देना पड़ रहा है, पर फीचर्स भी आपको 2-3 एक्स्ट्रा एड ऑन कर दिए गए हैं, लुक वाइज भी चेंज हो गया है। यहाँ पे आपको रियर में ये ट्रांसपेरेंट मिल जाता है जो मैंने आपको मैजिकल ट्विस्ट वगैरह बताया, यहाँ पे एक्स्ट्रा मोड मिल गया है रैप मोड, उसकी वजह से आपकी स्पीड ज़्यादा हो जा रही है, रेंज वगैरह भी अच्छा मिल जा रहा है। तो ये सब कुछ है। वैसे इसमें आपको हेलमेट वगैरह मिलता है, जो हेलमेट मिलता है ना वो हैंड क्राफ्टेड आपको हेलमेट इसमें मिल जाता है साथ ही साथ।
तो ये सब आपको आप लेने जाओगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वैसे आप एथा का कोई व्हीकल्स लेना चाहते हो तो व्यू भंडारी एथा चिंचोड़ में आप विजिट कर सकते हो। शोरूम के सारे डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर विद मैप लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहे डायरेक्ट शोरूम पे अपनी फ़ोन पे बुकिंग ले सकते हैं, शोरूम में विजिट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या नीचे इंस्टाग्राम आईडी का ऐप है, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।